नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है और चारों तरफ बस माँ दुर्गा की ही आराधना की जाएगी और उसमें बहुत से लोग व्रत भी रहते हैं। कुछ लोग तो 9 दिन का भी व्रत रहते हैं। मेरा भी 9 दिन का फास्ट होता है। उसमें हम सिर्फ फलाहार करते हैं, फल खाते हैं और आलू खाते हैं और आलू से बनी हुई चीजें खाते हैं। तो अब आलू की मात्रा बहुत ज्यादा तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि 9 दिन का व्रत होता है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ ग्रेवी वाले आलू की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम व्रत में ग्रेवी वाले आलू कैसे बना सकते हैं कि बस 3-4 आलू में हमारा पेट भी भर जाए और वो टेस्टी भी बहुत हो। तो चलिए बनाते हैं ग्रेवी वाले आलू। चलिए, व्रत के आलू बनाने के लिए यहाँ मैंने करीब 7 आलू लिया है, 3 टमाटर लिया है, 2 हरी मिर्च और हरी धनिया। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी मूंगफली ली जिसको मैंने घी में भून लिया है। आप रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हैं। ये व्रत का नमक है, सेंधा नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये भुना हुआ है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच करीब मैंने यहाँ पे खड़ा जीरा लिया है और देसी घी। चलिए व्रत के आलू बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें करीब हम 1.5 चम्मच घी डाल देंगे। इस तरह से 1.5 चम्मच देसी घी डाला और अब जीरे का तड़का लगाएंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे इस तरह से। और मैं हरी मिर्च ज्यादा नहीं मैं फ्राई करती हूँ क्योंकि जब हरी मिर्च हल्की सी कच्ची रहती है तो उसका फ्लेवर आलू में बहुत अच्छा आता है। इसलिए आप हरी मिर्च को बहुत ज्यादा मत जलाइएगा, उसको हरा ही रहने दीजिएगा। इस तरह से मुश्किल से 10 से 20 सेकंड तक ही बस हमें इसको भूनना है। जीरा बस ब्राउन हो गया। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इस तरह से हम इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे और हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे ही रखा है। टमाटर गलने तक टमाटरों को पकाएंगे जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। व्रत में ये आलू बहुत टेस्टी लगता है खाने में और लगता भी नहीं है कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आलू खाया है। चलिए, जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं तब तक उधर मैं आलू को मैश कर लेती हूँ। इसमें आलू काट के मत डालिएगा, बस आलू को हाथ से ही जैसे फोड़ देते हैं उसी तरह से, वो उस तरह से आलू इस व्रत में आलू हो या हम कोई आलू की सब्जी बनाते हैं आलू की, तो उसमें थोड़े हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, जो बस थोड़े बड़े टुकड़े हों उसको आप कलछी की मदद से ही दबा दीजिए और इस तरह से आलू को फोड़ के डालिए इसमें। अब हमें इसे करीब 4 से 5 मिनट तक भूनना है जिससे कि आलू टमाटर अच्छी तरह से मिल भी जाए और एक हल्का सा सोंधापन भी आलू में आ जाए। इस तरह से अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे कुछ लोग सूखी आलू खाते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से भून के और सारे मसाले डाल करके आप सूखी आलू बना सकते हैं। आप उसमें पानी मत डालिएगा, लेकिन अगर इसमें हम पानी डाल देंगे तो ये हमारी ग्रेवी वाली सब्जी बन जाती है। जैसे कभी हम लोग का मन होता है कि सूखी आलू खाई जाए तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेती हूँ आलू और टमाटर को। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तीनों मसाले मैं पहले चीज़ों को रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसका पाउडर बना के रख लेती हूँ। ये हमारे किचन में हमेशा आपको मिलेगा। अब हम इसको करीब 2 से 3 मिनट तक सारे मसालों के साथ भी आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जिससे कि हरा धनिया का पक जब ये पक जाएगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आलू में आ जाएगा। अब हम इसको धनिया के साथ भी करीब 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे करीब 5 से 6 मिनट मैंने सारा भूना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। करीब मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा पतला ज्यादा अच्छा लगता है। तो ग्रेवी के लिए आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसको ढक के करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे।
इस तरह से हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और करीब मैंने इसको 8 से 10 मिनट मैंने मीडियम और लो के बीच में गैस का फ्लेम रखा था, उसमें हम इसको पकाएंगे। ये देखिए आलू की सब्जी व्रत वाली बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे जो कि आलू की सब्जी का स्वाद और बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इसको एक बार जब नवरात्र का व्रत आएगा तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे मेरा तो 9 दिन का व्रत होता है लेकिन शाम को बच्चे और मेरे हस्बैंड यही सब्जी खाते हैं, तो स्पेशली उनके लिए भी एक एक कटोरी मुझे बनानी पड़ती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।